Good morning, students. Today we are going to start our new chapter in political theory book, chapter number 3, equality. And this chapter we will read through the videos. In this chapter, very few topics are coming in your exams, because we all know that this year 2020-21, this session, some topics are omitted from the syllabus. So according to the topics, first of all, our first topic will be, what is equality? First of all, we have to understand what is the sense of equality. What is equality? Equality is the term by which we all familiar with some sense, like somewhere when anyone treat us discriminated, that time we can understand the value of equality. And somewhere we see the discrimination between male and female, and higher class and lower classes. So that time also we can feel the importance of equality. So जब हम किसी ऐसे सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं, जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक होता है कि अगर ये सिद्धांत नहीं होता या अगर ये चीज़ नहीं होती समाज में, तो इसका कितना बैड इम्पैक्ट पड़ता। तो कई बार हम चीज़ों को उनकी कमी से हम ज़्यादा उनको इनके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। जस्ट लाइक इक्वलिटी, वी ऑल नो दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द डेमोक्रेसी दैट इज़ बेस्ड ऑन द इक्वलिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी। सो दीज थ्री आर द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये तीनों ही डेमोक्रेसी के सिद्धांत हैं, डेमोक्रेसी के मेन पिलर हैं, स्तंभ हैं, समानता, स्वतंत्रता एंड बंधुत्व। ओके, सो हेयर वी कैन सी सम पिक्चर्स लाइक कलर्ड सर्व्ड इन रेयर एंड ड्रिंकिंग फाउंटेन, वाइट कलर्ड, नो डॉग्स, नेग्रोज, मैक्सिकन रेस्ट रूम्स, वाइट ऑनली। मीन टू से दीज आर द सम सिम्बल्स भी हैं, इसमें साइंस भी हैं। और ये सारे साइंस हमको क्या दिखा रहे हैं कि किसी समय में अगर हम थोड़े से बैक में जाते हैं, हम 20th century में जाते हैं, तो हम पाएंगे वहाँ पर कि बहुत सारे रीजंस वर्ल्ड के ऐसे थे जहाँ पर इनइक्वलिटी फॉलो होती थी। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास साउथ अफ्रीका है, एंड कभी हमारा इंडिया भी हुआ करता था। आज तो हम आज़ाद हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में इंडिया भी कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पर इनइक्वल रूल और इनइक्वलिटी फॉलो की थी। सो इन पिक्चर्स से हम लोगों ने कैसे इक्वलिटी को पॉइंट आउट किया, इनइक्वलिटी को पॉइंट आउट किया और इक्वलिटी के लिए मांग उठाई, ये हम समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इक्वलिटी जो है वो एक ऐसा प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का कि विदाउट इक्वलिटी वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट द डेमोक्रेसी। वाई? बिकॉज इन डेमोक्रेसी रूल इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, एंड पीपल दे यूज देयर वोटिंग राइट। तो जब तक एक देश में सभी वोटिंग एज वालों को, जितने भी वोटर्स होते हैं, उनको इक्वली राइट नहीं मिलेगा, देन हाउ कैन दे फील दैट दे आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इट इज़ कंपल्सरी
एक डेमोक्रेसी में इक्वलिटी को फॉलो किया जाना, इनइक्वलिटी को रिमूव किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसके एस्पेक्ट से लगभग अपनी सराउंडिंग्स में हर जगह इसके एस्पेक्ट से परिचित होते हैं किसी न किसी रूप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए, वहाँ पर आपको आपकी कास्ट, रिलीजन, रेस के आधार पे अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, देन उस समय आप इक्वलिटी की वैल्यू समझ पाते हो, उस समय आप इक्वलिटी की इम्पॉर्टेंस समझ पाते हो। तो इसलिए इक्वलिटी को एक एसेंशियल एलिमेंट्स माना गया है डेमोक्रेसी का, और यहाँ पर हम उसी को डीपली पढ़ने जा रहे हैं। All of them make distinction between human beings on the ground of race and color, and these appeals to most of us are unacceptable because everyone, I mean to say each person of the world wants equality in his or her society. उसको equally treat किया जाना चाहिए ऐसा वो मानता है, समझता है, और किसी भी प्रकार की अनइक्वलिटी उसके लिए अनएक्सेप्टेबल होती है। इनफैक्ट, हालांकि हम अगर अपनी किसी देश की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने आपको साउथ अफ्रीका का एग्ज़ाम्पल दिया, तो उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो रेस कलर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ होता था, उसी के वही उनकी इक्वलिटी पाने की पावर बना। क्योंकि जब इनइक्वलिटी उस एरिया में फॉलो की गई लीडर्स के द्वारा, तो इसी चीज़ को जनता ने अपना वेपन बना लिया, और इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हुए उन्होंने अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट करवा लिया। तो ये सबसे इक्वलिटी में, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि इसका जो इमर्जेंस हुआ है, सेंस ऑफ इक्वलिटी का जो इमर्जेंस हुआ है, ये कब से हुआ है? 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फर्स्ट टाइम ये जो इसके लिए डिमांड मतलब रेज की गई थी वॉइस अगेंस्ट इनइक्वलिटी के, वो 1789 के ड्यूरिंग फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही की गई थी। In fact, such distinction violate our intuitive understanding of equality, which tell us that all human beings should be entitled to the same respect and consideration because of their common humanity. Yes, इसके लिए हमारे पास history में कई सारे example हैं। जैसे हम अपने इंडिया का अगर एक एग्ज़ाम्पल लें तो गौतम बुद्ध, ही सैड कि व्हेन वी ऑल आर इक्वली बॉर्न, व्हेन वी ऑल हैव इक्वल सेम फीचर्स, सो व्हाई डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। अगर हम Why discrimination in the society on the base of religion, caste, gender, उन्होंने भी समानता पर कहीं ना कहीं, हालांकि जब हम उनकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो उनकी शिक्षाओं में हमको इक्वलिटी का दूसरा रूप मिलता है। वो कास्टिज्म को नहीं मानते थे, और जो ब्राह्मणाज जो वो करते थे, डोमिनेशन करते थे सोसाइटी पे, उसको नहीं मानते थे। इट मीन्स उनका सीधा सा मानना ये था कि वो भी इक्वलिटी को ज़्यादा महत्व देते थे। तो इसलिए जब हम एक कॉमन ह्यूमैनिटी के अंतर्गत अगर अपने आप को देखते हैं, देन इनइक्वल बिहेवियर का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता है। एंड वी ऑल वॉन्ट द सेम रिस्पेक्ट, सेम ऑनर इन द सोसाइटी। After that, however, treating people with equal respect need not mean always treating them in an identical way. ऐसा संभव कम हो पाता है,
क्योंकि हर फील्ड में हम इक्वल नहीं मान सकते इंसान को, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दे सकते उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके स्तर के अकॉर्डिंग। हर व्यक्ति को समाज में एक स्टेटस प्राप्त होता है और उसी स्टेटस से उसकी डिग्निटी बनती है। तो कई बार इक्वलिटी, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हम वहाँ पर इनइक्वलिटी फेस कर रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ पर जो इनइक्वलिटी अगर की भी जाएगी तो वो उसके काम और स्टेटस और उसकी जैसा उसने अपने आप को डेवलप किया होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। तो वो इनइक्वलिटी जो है वो किसी को हार्म नहीं करती, और दूसरा वो इनइक्वलिटी समाज में एक्सेप्टेबल भी होती है। कौन सी इक्वलिटी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होती? अगर हम किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर हम भेदभाव करते हैं तो वो इक्वलिटी समाज में मान्य नहीं होती। नो सोसाइटी ट्रीट्स ऑल इट्स मेंबर्स इन एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल कंडीशन। यस, द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी रिक्वायर्स डिवीजन ऑफ वर्क एंड फंक्शंस, एंड पीपल ऑफन इंजॉय डिफरेंट स्टेटस एंड रिवॉर्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ इट। At time, these differences of treatment may appear acceptable or even necessary. Exactly, एक टीचर का जो समाज में स्थान होता है, उसका जो स्टेटस होता है, वो एक अनएजुकेटेड पर्सन का नहीं हो सकता। तो that type of inequality, that type of unequal status, that is acceptable in society. हर ग्राउंड पे हम उनको इक्वल नहीं मान सकते। फॉर इंस्टांस, वी यूजुअली डू नॉट फील दैट गिविंग प्राइम मिनिस्टर्स और आर्मी जनरल्स अ स्पेशल ऑफिस रैंक एंड स्टेटस गोज अगेंस्ट द नोशन ऑफ इक्वालिटी प्रोवाइडेड देयर प्रिविलेज आर नॉट मिसयूज्ड। बट सम अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज मे सीम अनजस्ट। फॉर इंस्टांस, अ चाइल्ड इज बॉर्न इन अ स्लम इन डिनाइड न्यूट्रिशियस फूड and good education through no fault of his or her, it may appear unfair to us. If a child is not gaining education because he took the birth in a slum areas and he is the son of a poor family, so that type of equality is not acceptable. But according to their status, according to their work, the people they divided into higher class, high standard, low standard, so that type of equality is acceptable in the society. So first of all, we have to understand what equality says, what type of equality is acceptable in the society, what type of equality not acceptable in the society. In this video, आपने इस वीडियो में यही चीज़ पढ़ी है, सेंस पढ़ा है उसका कि इक्वलिटी क्या है, हम उसको जब हम उसकी इम्पोर्टेंस को कैसे समझ सकते हैं और कैसे हम समाज में कौन सी इक्वलिटी एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं है। बाकी इसके नेक्स्ट वाला पैरा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।